यशपाल आर्य के बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी तय मानी जा रही है। अगले दो दिन के अंदर उनको पार्टी में दोबारा शामिल किया जाएगा। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, जिन्होंने 2016 में कांग्रेस आलाकमान से बगावत कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए थे। सूत्रों की माने तो उनकी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत पूरी हो चुकी है। उनके साथ कुछ और नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की भी संभावना है। हरक सिंह रावत पहली बार 1991 में पौड़ी से चुनकर विधानसभा आए थे। तब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था और उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। सूत्रों का कहना है कि रावत की उत्तराखंड बीजेपी के नेतृत्व से पटरी नहीं बैठ रही थी। उनको हाल फिलहाल वर्कर्स बोर्ड से भी हटा दिया गया था। हरक सिंह रावत के करियर में कई उतार चढ़ाव आए हैं। साल 2000 के बाद वो सत्ता से हमेशा जुड़े रहे। उत्तराखंड में नेता व पक्ष भी रहे हैं और उनको 2002 में एक स्कैंडल के चलते इस्तीफा भी देना पड़ा था। वैसे कांग्रेस के अंदर खाने से मिली खबरों की माने तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीजेपी गए कांग्रेसी नेताओं की वापसी से ज़्यादा खुश नहीं हैं। हरक सिंह रावत उन नेताओं में से थे जिन्होंने हरीश रावत सरकार के खिलाफ 2016 में बगावत की थी। इसलिए हरीश रावत की हरक सिंह रावत को साथ पुरानी कटुता है। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान पुराने नेताओं को पार्टी में जगह देना चाहता है। अब देखना होगा कि हरक सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से उत्तराखंड में क्या सियासी हलचल होती है।